हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी बिट मेनिया। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस तरह से आप लोग अपने एंड्रॉइड फोन से अपने पीसी या फिर लैपटॉप में वायरलेसली फाइल्स को ट्रांसफर कर पाओगे विदाउट इंटरनेट एंड विदाउट एनी वाईफाई कनेक्शन। बिना किसी वाईफाई राउटर के आप लोग इजीली फाइल्स को ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर है, ये ट्रिक आप लोगों के सैमसंग के ही डिवाइस के साथ में काम करने वाली है। आप लोगों के पास सैमसंग का ही फोन होना चाहिए। पीसी आप लोगों के पास कोई भी हो सकता है, लैपटॉप भी आप लोग किसी भी कंपनी का यूज कर सकते हैं। मैं यहां पर एसर नाइट्रो 5 यूज करने वाला हूं। इसी तरह से आप लोग कोई भी पीसी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर मोबाइल डिवाइस आप लोगों का सैमसंग का ही होना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग किसी अदर कंपनी का डिवाइस यूज करते हैं तो आप लोगों को वीडियो में आगे ट्रिक बता दूंगा जिसको आप लोग ट्राई कर सकते हैं, बट सैमसंग यूजर्स के लिए 100% वर्क करेगा। अदर डिवाइस यूज करते हैं तो वो ट्रिक ट्राई कर सकते हैं, अगर काम कर जाती है अच्छी बात है। तो चलो भाई, फिलहाल हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। ओके, तो आप लोग फाइल्स को ट्रांसफर कर पाए उससे पहले आप लोगों को एक वन टाइम सेटअप करना होगा। वन टाइम प्रोसेस रहेगा, इसके बाद आप लोग फ्लुएंटली फाइल्स को ट्रांसफर कर पाओगे। सिर्फ आप लोगों को एक बार ये सारा प्रोसेस करना है अपने मोबाइल एंड अपने पीसी में, उसके बाद सबको सेट हो जाएगा एंड आप लोग कभी भी अपने फाइल्स को वायरलेसली ट्रांसफर कर पाओगे एंड आप लोगों को ये प्रोसेस बार बार करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वन टाइम प्रोसेस है। ओके, तो फटाफट हम लोग अपना सेटअप शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को अपने सैमसंग के मोबाइल फोन में प्ले स्टोर पर जाना है एंड वहां पर आप लोगों को सर्च करना है सैमसंग फ्लो एंड वहां पर आप लोगों को कुछ इस तरह की एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी, सैमसंग फ्लो। एंड यही एप्लीकेशन है जो इस फीचर को इनेबल कर देगी। आप लोग इसी एप्लीकेशन के थ्रू अपने फाइल्स ट्रांसफर कर पाओगे वायरलेसली। तो आप लोगों को अपने सैमसंग डिवाइस में इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। अगर आप लोग किसी अदर कंपनी का डिवाइस यूज करते हैं, लाइक यहां पर मैं रियलमी 8 प्रो यूज कर रहा हूं, ये रियलमी का डिवाइस है एंड यहां पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह का एरर आएगा अगर मैं सैमसंग फ्लो प्ले स्टोर पर सर्च करता हूं कि ये एप्लीकेशन आपके डिवाइस में सपोर्टेड नहीं है, तो आप लोग इसको डाउनलोड भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन भाई, इसका मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता सकता हूं, आप लोग ट्राई कर सकते हो। भाई मैंने ट्राई नहीं किया है, बट आप लोग ट्राई कर सकते हो। अगर वर्क करता है तो कमेंट में जरूर बताना, बट मुझे लगता नहीं है कि वर्क करेगा। तो भाई ट्रिक मैं आप लोगों को बता देता हूं, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो भाई मेथड ये है कि आप लोग ट्राई कर सकते हैं गूगल से डाउनलोड करने का। इसका एपीके आप लोग देख सकते हैं, सैमसंग फ्लो का आपको गूगल पे इजीली मिल जाएगा एंड वहां से डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल करके आप लोग ट्राई कर सकते हैं। अगर वर्क करता है तो कमेंट में जरूर बताना, बट भाई बहुत कम चांसेस है कि अदर कंपनी के डिवाइस में ये वर्क करे, लेकिन सैमसंग के लिए 100% वर्क करता है। तो अगर आप लोग सैमसंग यूजर हैं, वीडियो में आगे बने रहिए। ओके, तो जब आप लोग प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, आप लोगों को उसको ओपन करना है। ओपन करते ही आप लोगों को कुछ इस तरह की स्क्रीन यहां पर दिखाएगा, तो बस आप लोगों को यहीं पर छोड़ देना है। अब आप लोगों को चलना है अपने लैपटॉप या फिर पीसी पर। आप लोगों को अपने पीसी या फिर लैपटॉप पर जाना है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर एंड वहां पर भी आप लोगों को सेम एप्लीकेशन सर्च करनी है सैमसंग फ्लो एंड उसको आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। लेकिन अगर आप लोग माइक्रोसॉफ्ट स्टोर यूज नहीं करते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग गूगल पर ट्राई कर सकते हैं, बट लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करा सकता हूं। आप लोग गूगल पर जाइए भाई, यहां पर सेटअप सर्च कर लीजिए एंड डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर लीजिए, हो जाएगा इजीली। आपके विंडोज में एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाने के बाद आप लोगों को जाना है अपने मोबाइल डिवाइस में एंड वहां पर आप लोगों को हॉटस्पॉट को ऑन करना है। आप लोग डेटा चाहे तो बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रिक आप लोगों का डेटा बिल्कुल भी यूज नहीं करेगी। अब आप लोगों को अपने विंडोज में वाईफाई को ऑन करना है एंड अपने मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर लेना है। ध्यान दें, आप लोग कनेक्ट ऑटोमेटिकली पर चेक कर दीजिए ताकि आप लोग फ्यूचर में कभी भी कनेक्ट करें तो आप लोगों को भाई बार बार कनेक्ट करने की जरूरत ना पड़े। इजीली आप लोग जैसे ही उसके एरिया में आए वैसे ही वो कनेक्ट हो जाए इजीली एंड सैमसंग फ्लो यूज करने में आपको कोई दिक्कत ना आए। जैसे ही हमारा मोबाइल हॉटस्पॉट कनेक्ट हो जाता है सक्सेसफुली, अब बारी आती है हमारे एप्लीकेशन को सेटअप करने की। तो सेटअप करने के लिए आप लोगों को अपने पीसी में एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है एंड मोबाइल में भी आप लोगों को सैमसंग फ्लो को ओपन कर लेना है। पीसी में आप लोगों को कुछ इस तरह की स्क्रीन देखने को मिलेगी जहां पर आप लोगों को दो मेथड बताए जाएंगे, पहला वाईफाई, दूसरा ब्लूटूथ। हम लोगों को वाईफाई सेलेक्ट करना है क्योंकि ब्लूटूथ वाले में फाइल ट्रांसफर का ऑप्शन नहीं है। ब्लूटूथ वाले में आप लोग सिर्फ नोटिफिकेशन को शेयर कर सकते हैं एंड आप लोग क्लिपबोर्ड को शेयर कर सकते हैं, लेकिन वाईफाई वाले में आप लोग फाइल ट्रांसफर भी कर सकते हैं। आप लोग अपने फोन के नोटिफिकेशन पीसी पर भी देख सकते हैं एंड अपने क्लिपबोर्ड को भी शेयर कर सकते हैं। लाइक आपने फोन पर कुछ कॉपी किया तो पीसी में आप लोग पेस्ट कर सकते हैं इजीली वायरलेसली। तो आप लोगों को यहाँ पर वाईफाई सेलेक्ट करना है। ध्यान रहे, आप लोगों का मोबाइल हॉटस्पॉट एंड पीसी का वाईफाई कनेक्टेड रहना चाहिए एक दूसरे से, तभी यहाँ पर आप लोगों को वाईफाई पर क्लिक करना है। जब भी आप लोग वाईफाई पर क्लिक कर देंगे, कुछ सेटअप के लिए इस तरह की स्क्रीन आएगी। आप लोगों को यहाँ पर एक कोड दिया जाएगा, आप लोग देख लीजिए कि मोबाइल एंड पीसी दोनों पर सेम कोड है, देन आप लोग वेरीफाई कर दीजिए एंड डन। आप लोग इस स्क्रीन पर जैसे ही आ जाते हैं, समझो भाई कनेक्शन हो चुका है। अब आप लोगों को जस्ट फाइल शेयर करनी है, इजीली आप लोग फाइल्स को शेयर कर पाओगे एंड आप लोग यहां पर ऊपर देख सकते हैं कुछ ऑप्शंस भी आएंगे नोटिफिकेशन एंड क्लिपबोर्ड का, तो आप लोग यहां पर इनको इनेबल कर सकते हैं। तो आप लोग क्लिपबोर्ड भी शेयर कर सकते हो अपने फोन का अपने पीसी से। ओके, तो अपना सेटअप हो चुका है। अब आप लोगों को फाइल को ट्रांसफर करने के लिए बार बार इसको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये वन टाइम सेटअप था। अब आप लोग फ्लुएंटली फाइल्स को ट्रांसफर कर सकते हो वायरलेसली। तो अब आप लोगों को मैं करके दिखा देता हूं किस तरह से हम लोग फाइल्स को
ट्रांसफर करने वाले हैं, मैं अपना हॉटस्पॉट वगैरह सब कुछ बंद कर देता हूँ एंड दोबारा से अपने पीसी एंड मोबाइल को ऑन करता हूँ, देन आप लोगों को बताऊंगा कि नेक्स्ट टाइम आप लोगों को ये नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो मैंने अपने लैपटॉप को दोबारा से स्टार्ट कर लिया है, मोबाइल में भी एप्लीकेशन मैंने बंद करके हॉटस्पॉट भी यहाँ पर बंद कर दिया है। अब आप लोगों को बताता हूँ कि आपको कभी फाइल ट्रांसफर करना हुआ तो आप लोग किस तरह से जल्दी से कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को अपने मोबाइल में जाना है, वहां पर आप लोगों को हॉटस्पॉट को ऑन करना है एंड आपका पीसी ऑटोमेटिकली वाईफाई को कनेक्ट कर लेगा, क्योंकि हम लोगों ने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर रखा था ऑलरेडी। जैसे ही ये कनेक्ट हो जाता है, अब आप लोगों को अपने फाइल मैनेजर में जाना है एंड आपको वो फाइल सिलेक्ट करनी है जो भी आपको शेयर करनी है, उस पर आपको होल्ड करना है, देन आपको शेयर पर क्लिक करना है एंड नीचे आप लोगों को एप्लीकेशंस में सैमसंग फ्लो दिखाई देगा। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे एंड बूम, आपके पीसी में एक एप्लीकेशन अपने आप खुल जाएगी एंड वहां पर ये फाइल देख सकते हैं आप लोग, शेयर होना स्टार्ट हो गई है। एंड जैसे ये कंप्लीट हो जाता है, आपकी फाइल शेयर हो जाएगी एंड स्पीड में आप लोगों को काफी अच्छी देखने को मिल सकती है। आप लोग देख सकते हैं कितनी जल्दी जल्दी भाई आप लोगों की फाइल्स को शेयर कर रहा है एंड आप लोग मल्टीपल फाइल्स भी यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। किसी भी तरह की फाइल्स आप लोग यहाँ पर इजिली शेयर कर सकते हैं, मल्टीपल फाइल्स या फिर बिग फाइल्स भी हैं तो भी आप लोग यहाँ पर इजिली शेयर कर सकते हैं। तो बस भाई यहाँ पर वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।